सो दोस्तों, क्या आप रिजाइन डाल चुके हो या रिजाइन डालने के बाद ये एंश्योर कर रहे हो कि भाई कौन कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए? तो डेफिनेटली दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ, रेजिग्नेशन पे फोकस करने वाला हूँ और बताऊंगा रेजिग्नेशन के टाइम पे किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, सो दैट लीगली आप सारी चीजों से क्लियर हो जाओ, आपके रिलेशंस भी जो है वो दूसरों के साथ अच्छे बने रहे और आप फ्यूचर में ग्रोथ भी करते रहो। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त मनोज कुमार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और एम्प्लॉयड कंपनीज की इस नगरी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको क्लियर करने के लिए अपनी रिसर्च के बेसिस पे। सो दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करूंगा, बोर्ड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में रेजिग्नेशन। क्या होता है भाई रेजिग्नेशन? बहुत सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। रेजिग्नेशन का सिंपल मतलब है कि कोई एम्प्लॉय, ये बहुत जानना जरूरी है, कोई भी एम्प्लॉय या वर्कमैन, वर्कमैन बिल्कुल एम्प्लॉय को ही कोरिलेट करता है, कोई भी वर्कमैन अपनी मर्जी से, सेल्फ अपनी मर्जी से कंपनी में काम ना करने की इच्छा जताता है। और बहुत जरूरी है, पता तो सबको है ही कि भैया अपनी मर्जी से रिजाइन डाल दिया, काम नहीं करना, दैट्स इट, यही होता रिजाइन। लेकिन अगर इसकी लीगल टर्म की बात करें तो इसका मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कंपनी को यह बताता है कि भाई आगे मैं अपनी सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा या मैं अब आगे काम करना नहीं चाहता हूं, और इसमें कोई भी उसको प्रेशराइज नहीं करता। यहां पे एम्प्लॉय की खुद की अपनी मर्जी होती है, एम्प्लॉयर की नहीं, एम्प्लॉय की अपनी मर्जी होती है। ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कंपनी में काम ना करने के लिए भाई रिजाइन डालता है, एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो, हार्ड कॉपी है तो डॉक्यूमेंट बोल सकते हो या मेल बोल सकते हो, मेल भी एक डॉक्यूमेंट ही है, तो उसके थ्रू इंटीमेट करता है रेस्पेक्टिव पर्सन, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे वो एचआर का रिप्रेजेंटेटिव हो या कंपनी का हेड हो या जो मेन डिसीजंस लेता है इन चीजों से जुड़े हुए, ज्वाइनिंग से जुड़े हुए या रिजाइन से जुड़े हुए, उन सभी को सीसी करता है, मार्क करता है या उनको हार्ड कॉपी सेंड करता है। तो रिजाइन तो डल गया भाई, तो रिजाइन के बाद हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, आज दोस्तों फोकस करूंगा उनके ऊपर। साथ में रिजाइन से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके नोटिस पीरियड में ही लिखी होती है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट रिजाइन क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियरली पता लगे। दूसरे पॉइंट की बात करूंगा कि रिजाइन डाले कैसे। देखिए, फास्ट वे में तो मैंने बता दिया कि अगर कहीं पे मैनुअल प्रोसेस है तो भाई हार्ड कॉपी से लिख के टाइप करके डॉक्यूमेंट आप पोस्ट कर सकते हो या दे सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, दो तरीके हैं, मैनुअल तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, कि आपको हार्ड कॉपी या स्पीड पोस्ट या इसी तरीके से किसी को वर्बली कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है, आपने मुंह से बोल दिया मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी फर्म की या किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की बात करूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कि आपने वर्बली कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी रीजन से कंपनी में आपका कुछ फंसा हुआ है और आपने वर्बली रिजाइन देकर के अपना मस्ती में घूम रहे हो तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। इवन कंपनी ये भी प्रूफ कर देगी, अगर वर्बली आप छोड़ रहे हो तो बट ऑब्वियसली वर्बली आपने ज्वाइन भी किया होगा। तो अगर ऐसे केसेस में कोई ऑफर लेटर नहीं है, कोई रेजिग्नेशन नहीं है, तो बट ऑब्वियसली कंपनी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होने तय हैं, होने की चांसेस बनते हैं। फिर आप लीगली भी कुछ नहीं कर पाओगे, लेबर कोर्ट भी आपको किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो रिजाइन कैसे डालें? तो भाई एक मैनुअल तरीका हो गया जिसमें आप रिटिन में सारी चीजें डाल रहे हो, साथ में उनको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। तो आप में हो सकता है तो एक वीडियो क्लिप भी प्रिपेयर करें जिसमें आप रिजाइन को पोस्ट करने जा रहे हो और पोस्ट की स्लिप को भी उस वीडियो के अंदर कंटेन करो, उस वीडियो को भी एज एविडेंस रखो और अपनी जो स्पीड पोस्ट या कुछ भी आपने किया है उसके हिसाब से जो रिसीट या जो रिसीविंग मिली है उसको भी एज एविडेंस रखो। देखिए, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, देन ओके, कोई इशू ही नहीं है। बट नहीं हुआ तो आपको अपने एविडेंसेस प्रिपेयर करने चाहिए मैनुअल के केसेस में। अब ऑटोमेटिक केसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिक में एक तो आपने मेल डाल दिया जो मैं पहले ही बता चुका हूं, और क्या हो सकता है, एक एम्प्लॉय का अपना पोर्टल होता है जहां पर वो अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करता है, अपनी टैक्स की चीजें देखता है, जहां पर वो अपने मिलने वाले जो कंपनी की तरफ से क्या बोलते हैं रिम्बर्समेंट है उनकी डिटेलिंग करता है। तो इस तरीके के लिए कंपनी एक अपना पोर्टल बना करती है जहां पर वो लीव अप्लाई करता है, जहां पर वो अपनी अटेंडेंस देख सकता है, जहां सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी पोर्टल पे एक जो होता है रेजिग्नेशन का भी पॉइंट, रेजिग्नेशन का टैग, तो वो सिंपली इधर उसने मेल डाला है और पोर्टल पे उधर जाके उसने अप्लाई कर दिया, या कई बार मेल का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, वहीं पर पोर्टल पे आपने रिजाइन डाला और एक ट्रेन वहां से चल गई।
वो ट्रेन पहले पोर्टल से सीधे गई आपके मैनेजर के पास और उसकी पेंडिंग लिस्ट में खड़ी होगी, लेकिन आपका रेजिग्नेशन का डेट उसमें आ रहा है कि आपने कब पुट किया है। अब अगर मैनेजर नहीं कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। मैनेजर के बाद वो एचआर को जाएगा, इंटीमेट होगा और आपका एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस दोनों ही पोर्टल पे आ जाएगा विदाउट डूइंग एनी फॉलोअप। ठीक है, तो रिजाइन डालने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मैंने अभी तरीके पूछे। रिजाइन डालने के मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं, रीजंस भी हो सकते हैं, क्यों डाल रहे हो भाई। बहुत सारे रीजन है, मेरी मैनेजर से नहीं बन रही, मेरे को काम पसंद नहीं आ रहा, यहां पर सैलरी, ये वो है जो बेसिकली होते हैं। बट इन फ्रंट अगर आप कहीं जाओगे, पिछली कंपनी में आपसे कोई पूछेगा आपने रिजाइन क्यों डाला या आपने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की, तो दोस्तों आप इनमें से कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि ये लोग सुनना नहीं चाहते, सच्चाई से थोड़ा सा परहेज है, ये सुनना नहीं चाहते। बड़े बने बनाए आंसर लोग सुनना चाहते हैं, बट एक्चुअल रीजन ये होते हैं कि किसी के साथ ना बन रहा, कंपनी का एनवायरमेंट समझ में नहीं आना, या किसी ने आपके साथ अब्यूजिंग कर दिया है और किसी ने उस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिया, या आपको कोई थ्रेट दे रहा है, या आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, बहुत सारे रीजन, या कंपनी में आपकी सैलरी बहुत कम है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो इस तरीके के बेसिक बेसिक रीजंस होते हैं, या ये भी होता है कि कई बार आपका कहीं पर हो गया है और आपने उसके बाद, अब होता कब है, जब आदमी किसी ना किसी रीजन से भाई पहली कंपनी में परेशान होता है, या उसके दिमाग में आने लगते हैं कि भाई ये जॉब छोड़ो, ये जॉब छोड़ो, ये तो परेशान करने वाली है, तब वो न्यू जॉब ढूंढता है और उसके बाद रिजाइन डाल देता है। तो रिजाइन के कारण और रिजाइन डालने के तरीके और रिजाइन के तीनों की बात कर ली। आगे बात करते हैं कि आफ्टर रिजाइन आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सो आफ्टर रिजाइन तो सच में बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, अगर आप सत्र में ग्रोथ लेना चाहते हो अपने करियर में, तो आपको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए दोस्तों, उसकी बात दो मिनट में करूंगा। उसके नीचे चलते हैं नोटिस पीरियड। अब एक चीज होती है आपके रेजिग्नेशन डालने के बाद, एक चीज होती है जो आपको सर्व करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं नोटिस पीरियड। अब नोटिस पीरियड के लिए अगर मैं बता दूं, तो भाई लीगली या संविधान में कोई रूल नहीं बना हुआ है कि कितने डेज का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है। कोई लीगल कोई क्लॉज नहीं बना हुआ है, कोई रूल नहीं बना हुआ है। वो क्लॉज कैसे बनता है, वो रूल कैसे बनता है, जब कंपनी में आप ज्वाइनिंग करते हो, अपना ज्वाइनिंग लेटर साइन करते हो और अपना ऑफर लेटर रिसीव करते हो, ज्वाइनिंग लेटर पे दोनों पार्टी साइन करती हैं, आप भी एज ए एम्प्लॉय और कंपनी एज ए एम्प्लॉयर, दोनों उसको साइन करते हैं, और दोनों के साइन करने के बाद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, म्यूचुअल एग्रीमेंट होने के बाद, वही डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट की तरीके से दोनों पेश करते हैं कोर्ट में, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो। लेकिन अगर बात करूं कि नोटिस पीरियड की, तो नोटिस पीरियड के लिए कोर्ट ने, कचहरी ने, किसी भी तरीके का संविधान ने कोई रूल अभी तक नहीं बनाया कि किसको कितने दिन तक नोटिस पीरियड सर्व करना है। जो आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितने दिन तक आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है। अब ये कैसे जाने कि भाई हमारे नोटिस पीरियड कितना है, तो हालांकि मुझे पता है कि सभी लोगों को पता है, बट मेरे भाई लोग बिगनर्स, फ्रेशर्स, या जिन्होंने अभी भी इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त इस खुशी में कि भाई अपनी तो जॉब लग गई है, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाना है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। फ्रेशर्स के बाद कॉलेज में बहुत सारी लड़के अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, सबने इंजीनियरिंग करी थी बट मेरी लग गई यार, थैंक गॉड, शुक्रिया भगवान का, बढ़िया, इस खुशी में, और वो डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से दी हुई पॉलिसीज के जो डिटेलिंग है उनको ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि वो अपनी खुशी में रहते हैं, और भाई वो डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत कुछ लिखा रहता है, आपके ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर में बहुत कुछ लिखा रहता है, और लीगल बन जाता है दोनों के साइन करने के बाद। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसी लीगल डॉक्यूमेंट को किसी परेशानी में दोनों लोग शेयर करते हैं कोर्ट के अंदर, तो नोटिस पीरियड दोस्तों लिखा रहता है उसी ज्वाइनिंग लेटर के अंदर, उसी ऑफर लेटर के अंदर। आप मेरे को ये पता लग गया रिजाइन क्या है, सारी डिटेलिंग पता लग गई, नोटिस पीरियड पता लग गया, साथ में उस डॉक्यूमेंट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लिखी, आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर लिखा होता है, किस किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, आपकी ईएल कितनी होंगी, सीएल कितनी होगी, मैटरनिटी लीव कितनी होगी, पैटरनिटी लीव कितनी होगी, लीव एनकैशमेंट की क्या पॉलिसी है, उसके बाद लीव की क्या पॉलिसी है, और एक क्लॉज भी डला होता है कि अगर 10 दिन तक आप बिना इंटीमेशन के जाओगे तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें वहां पे लिखी रहती है, और वहीं पे लिखा रहता है आपका नोटिस पीरियड। ठीक है, तो नोटिस पीरियड बता के अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, कौन सा कि आफ्टर रिजाइन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो भाई देखो, रिजाइन देने के बाद मन में एक फीलिंग जरूर आती है कि चलो अब इस बोरियत काम से दूर हो गए, या आप खुश भी थे तो अभी होता है कि चलो यार अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अब कहीं पे ज्यादा पैसा मिलेगा।
कई बार इस खुशी में आप कुछ चीजें गलत कर जाते हो, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर फोकस कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि जब कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लोग कई बार इसको नहीं करते हैं और फिर उनको बाद में परेशानी भुगतनी पड़ती है। जब कभी भी आप रिजाइन डाल रहे हो तो अपनी पर्सनल मेल पे उसकी एक सीसी कॉपी जरूर करो, हमेशा करो, सो दैट जाने, ऐसा नहीं बाद में फॉरवर्ड करोगे। देखिए बाद में फॉरवर्डेड डॉक्यूमेंट जो है वो डेफिनेटली एक डॉक्यूमेंट बन सकता है, बट आपने तभी के तभी करोगे तो टाइम डेट सब कुछ मैच होगा आपका। तो आप एक कॉपी हमेशा अपने रिजाइन जब पुट करते हो एक कॉपी अपने आप को भी मार्क करोगे। दूसरी बात, नोटिस पीरियड पता लग गया भाई कितना है, नोटिस पीरियड जितना भी है उसको प्रॉपरली सही तरीके से सारी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, ठीक है। तीसरी बात, एक अपने अगर आपकी मैनेजर से बनती है नहीं भी बनती है, दोनों केसेस में भाई मैनेजर कल को आपको लास्ट में किसी भी तरीके से हैरेस करे, इसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया या इसने ये काम छोड़ दिया, इसने इसके लिए प्रॉमिस किया था, हालांकि एज पर द कोर्ट, एज पर द संविधान, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, चाहे आपने काम किया हो नहीं किया हो, आपने कुछ डिलीवर करके दिया हो, आपने केटी दी हो, आपने कुछ करो या मत करो, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता इस चीज के लिए। लेकिन अच्छे टर्म्स के लिए, लोगों के साथ जुड़े रहने, क्यों, कोई भी फील्ड हो यार उसमें मुलाकात होती है भाई, दोबारा लोगों की मुलाकात आपस में होती है, तो इन चीजों के लिए हमेशा अपने रिलेशंस को अच्छा बना के रखें, सो दैट कभी मुलाकात हो तो भी आपकी जो मिलन है, आपका मिलना जुलना है वो अच्छा बना रहे, आपके रिलेशंस अच्छे बने रहे। या कभी ऐसा होता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, उसका दोस्त होता है, वो पूछता है तुम्हारे यहाँ से एक बंदा आया था उसका नाम ये है, कैसा फीडबैक है। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका फीडबैक भी अच्छा होगा, नहीं होगा तो बट ऑब्वियस कहेगा यार ये बंदा ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैनेजर से बनती है या नहीं बनती है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है उन टास्क की जो टास्क आप परफॉर्म करते थे, जो भी टास्क, साथ में एक लिस्ट वो बनानी है जो टास्क या जो केटी जो टास्क अभी ड्यू पड़े हुए हैं आपके ऊपर, उनको डिलीवर करना है, आपके दोनों लिस्ट बनानी है, सो दैट आपका रिपोर्टिंग मैनेजर ये डिसाइड कर सके कि भाई ये टास्क मुझे किसको देना है और ये टास्क मुझे किसको देना है। नए डेवलपमेंट अगर इसके नोटिस पीरियड खत्म करने से पहले पॉसिबल है, डेवलप हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यही करेगा, और पुराने जो डेवलपमेंट है, जो सपोर्ट है, जो चीजें एनालिसिस करने का काम है, वो चीजें कुछ आप देखते थे तो वो किसको हैंड ओवर करनी है। टीम में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, माइट भी नहीं भी हो, तो किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करना है उसका एक पूरा ब्यौरा वो शीट से उसको मिल जाएगा। अभी लिस्ट बन गई है, मैनेजर को दे दिया है, मैनेजर डिसाइड करेगा, मैनेजर ये भी कहेगा कि भाई कर सकता है कर दे, नहीं तो मैं किसी और को देता हूं। तो हमेशा ये इंटेंशन रखना है, पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एटीट्यूड कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने दिन तक मैं हूं यार डेफिनेटली आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग, जो डिलीवर हो जाएगा कोशिश करूंगा सब कुछ डिलीवर हो जाए, बट अगर किसी रीजन से नहीं हो पाता है तो कोई और को लेगा, बट आई एम ट्राइंग कि भैया मैं इसको कर दूंगा। तो हमेशा यही इंटेंशन होना चाहिए। अब आपकी लिस्ट बन गई है, सब कुछ बन गई है, आप जो टास्क परफॉर्म करते थे उस टास्क के लिए आप केटी प्लान करोगे। केटी मींस नॉलेज ट्रांसफर, मतलब अपने सबॉर्डिनेट को, जो भी आपका कोलीग है, आपके जैसा काम जानता है, या मैनेजर ने जिसको अलाइन किया है कि भाई ये काम ये बंदा देखेगा, उसके साथ ट्यूनअप करके, उसके साथ मीटिंग बुक करके, उसका टाइम स्लॉट सब कुछ कर करा के आपकी कोशिश होनी चाहिए। दूसरे की कोशिश नहीं है केटी लेने की, वो तो चाहते ही है कि डिले हो या परेशानी हो या तुम ना जाओ, तो तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें मीटिंग बुक करनी है, तुम्हें रूम्स बुक करने हैं, केटी सेशंस में शेड्यूल बना के देना है कि किस किस डेज पर किस किस प्रोसेस का आप उसको केटी देने वाले हो। तो ये केटी आपको बहुत अच्छे से देनी है, और केटी का एनओसी भी लेना है, केटी का एनओसी भी लेना है उस बंदे से, सो दैट फ्यूचर में वो डिनाई ना कर पाए कि ये तो सर वो बता के ही नहीं गया, मैं कैसे देखूं, वो तो बड़ा ही बेकार था, उसने तो इसमें कुछ बताया ही नहीं, इसके बारे में तो मैंने आज ही सुना है, ठीक है। तो अपनी छवि, अपनी इमेज सही रखने के लिए आपको उसका एनओसी भी लेना है। साथ में कोशिश क्या करनी है, जिस भी चीज की केटी दे रहे हो, जिस भी प्रोसेस को हैंडओवर दे रहे हो भाई, उस प्रोसेस के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, सो दैट कल को बंदा कुछ केटी नहीं समझ पाता है, या जिस बंदे को केटी थी वो भी जा रहा है तुरंत कुछ दिन के बाद, आपके नोटिस पीरियड रिजाइन खत्म होने के बाद अभी 10 दिन हुए उस बंदे ने पेपर डाल दिया, तो हमेशा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, उसको अपने मैनेजर को और सबॉर्डिनेट को मार्क करो। साथ में कोई ऐसी
कॉमन रिपोजिटरी है कंपनी की जहां पर डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, तो वहां पर उसको सेव कराओ। एक चीज बहुत जरूरी करनी है भाई, यहां पे तो आप कुछ सेट ऑफ टास्क करते थे जो टास्क आपको आते हैं, कुछ आपने न्यू लर्निंग भी सीखी, बट पिछले 4 साल से एक जैसे ही काम कर रहे थे, कुछ ग्रोथ नहीं मिली लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई इस तरीके का ट्रेनिंग नहीं किया। तो भाई जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आपका नोटिस पीरियड है, उतने दिन में आपको ये कसम खानी है, ये प्रॉमिस करना है आपने आपको कि डेली आप एटलीस्ट 1 से 2 चीजें रिवाइज करोगे अपनी और नई भी सीखोगे, सो दैट नेक्स्ट कंपनी में आपको क्या टास्क मिलने वाले हैं उस पर आप पूरी तरह से खरे उतर पाओ। तो आपको केटीज हमेशा सॉरी तो आपको लर्निंग हमेशा करते रहना है, और खास कर से इस पीरियड में जरूर से जरूर करना है, क्योंकि इंटरव्यू निकल गया दैट इज फाइन, आपका कहीं हो गया वो भी अच्छा है, आप परसों से तरसों से 10 दिन 20 दिन बाद ज्वाइन करोगे, बट हो सकता है वहां पे टास्क अलग हो, आपको नहीं आता हो, तो अपने आपको अपग्रेड करके वहां लेके जाना है। और कोशिश करें नोटिस पीरियड के, सब कुछ वैसे तो डिपेंड करता है भाई मैनेजर के ऊपर कि वो आपकी चीजों को कैसे लेता है, आपके उसके साथ रिलेशन कैसे है, तो डिपेंड करता है भाई मैनेजर पे। तो मैनेजर से पूछ के आपको लीव लेनी है और लीव अप्लाई नहीं करनी है, देन ओके, बट कोशिश करें नोटिस पीरियड के टाइम पर कोई भी लीव्स ना ले, सो दैट आपका रिलीविंग सक्सेसफुली हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने 3 दिन की किसी वजह से लीव ले ली और आपके मैनेजर, जिसकी आपसे बनती नहीं थी, एचआर की पॉलिसी बहुत रिस्ट्रिक्ट है, उसने बोल दिया कि आपने 3 दिन की लीव ली है, तो आपका अब जो लास्ट डे है वो 3 दिन और डिले हो गया और आपकी उसी टाइम पर ज्वाइनिंग भी होता है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो कोशिश करें कि उस टाइम पर लीव्स ना लें। ऑल्सो से अब देखिए एक पॉइंट बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है, मैंने लिखा हुआ है ये हमेशा कहना है कि भाई मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा किसी भी काम के लिए आफ्टर दिस जॉब, ये जॉब छोड़ने के बाद भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट है भाई। ये बात आपको कभी भी नेक्स्ट कंपनी में नहीं बोलनी है कि भाई अभी भी मैं कभी कभी पिछली वाली कंपनी का काम कर देता हूं, मैं बहुत सपोर्टिव हूं, मेरा तो नेचर ही ऐसा है कि मैं तो सबको सपोर्ट करता हूं, भाई कभी नहीं बोलना है, गलत इम्पैक्ट जाता है कि यार इसने तो पिछली कंपनी से पूरी तरह से कनेक्शन ही खत्म नहीं किया, हमारे यहाँ काम करने आ गया है, हमारी कंपनी से कभी कनेक्शन खत्म करेगा तो हमारी, तो भाई इस तरीके का मैसेज सामने वाले को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये कभी नहीं बोलना है। बट करंट कंपनी में जहां रिजाइन डाला है वहां पे आपको डेफिनेटली ये बोलना है कि सर आई एम अवेलेबल आफ्टर दिस जॉब, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, मैं आप कुछ इश्यूज होंगे, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ये मेरी पर्सनल डिटेल है, ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इसमें मुझे कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, ऐसा हमेशा बोलना है। और भाई फिर क्या करना है, सबसे लास्ट में आता है गुड बाय मेल। नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया, केटी कंप्लीट कर दिया, कुछ नया सीख भी लिया, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भाई सबसे लास्ट डे आती है, जाने से पहले एक गुड बाय मेल जरूर डालें, जिसके अंदर लिखें कंपनी के बारे में भी लिखें, अपने सीनियर के बारे में भी लिखें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखें, जरूर से जरूर इस तरीके की मेल जरूर डालें, उसमें अपने पर्सनल फ्यूचर कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर करें अगर आपको कोई एतराज ना हो, बट करें जरूर, सो दैट लगे कि ये बंदा भाई, ये बंदा जो है रिलेशनशिप बनाने पे विश्वास करता है, मार्केट में अच्छी पकड़ बनाना चाहता है, अपने आप का सर्वाइवल और अच्छा और बेहतर करना चाहता है, तो इस तरीके की चीजें जरूर से जरूर बनाए, सो दैट ये एक मैसेज जाए कि भाई ये जुड़ के रहना चाहता है। ठीक है, क्लियर योर नो ड्यूज, सबसे लास्ट पॉइंट है क्लियर योर नो ड्यूज। तो भाई लैपटॉप से मेल आपने डाल दिया, सब कुछ हो गया, अब आपके मेल एक्सेस बंद हो जाएंगे, अब आपका सब कुछ सिस्टम एक्सेस बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो भाई नो ड्यूज क्लियर करें, अपने जो भी असेट है, जो भी आपके पास ऐसे सीरीज है, उनको ठीक तरीके से जमा करें, अपने नो ड्यूज लें एचआर में, उसकी कॉपी सबमिट करें। तो ये सारी वो चीजें हैं दोस्तों जो रिजाइन या रिजिग्नेशन से रिलेटेड है। होपफुली आप रिजाइन डालने से पहले या रिजाइन के बाद, दोनों की इंफॉर्मेशन मैंने इसमें शेयर करी है, होपफुली आपके लिए नॉलेज बहुत काम की रही होगी, और अगर कुछ छूट गया हो, आपको लगे कि आप ऐसे सेशंस को और बेहतर बनवा सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, तो भाई अपने कमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट, सजेशंस जरूर भेजें मुझे कमेंट में, सो दैट मुझे ये पता लगे कि मैं कहां पर किन चीजों को स्किप कर रहा हूं। सो दोस्तों ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजें मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तब करें जब दिल से आवाज आए कि मैंने कुछ यहां पर ठीक से सीखा। फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, थैंक यू सो मच।